हाँ दोस्तों, टेक्निकल सीव टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो डोरवेल का एक स्विच के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है। ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए, मेरा दो डोरवेल है, इसको हम एक स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। ये मेरा वेल स्विच है। दोस्तों, अगर आपका घर दो फ्लोर का है या तीन फ्लोर का, जो भी है, जितना भी है, अगर आप कभी नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, कभी ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, और आपके घर में कोई आ जाता है और बेल बजाता है और आपको पता नहीं चलता है, कभी आप नीचे रहते हैं कभी ऊपर रहते हैं, तो अगर ये दोनों फ्लोर पे ये डोरबेल लगा रहेगा और आपका एक स्विच के साथ कनेक्शन रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे घर में कोई आया है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये कनेक्शन करना। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। दोस्तों, आज हम जो डोरवेल का कनेक्शन करने जा रहे हैं, आज हम दो टाइप से आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे कि ये दो डोरवेल जो है उसको हम एक ही स्विच से दो प्रकार का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। देखिए, मेरा दो डोरवेल है, ये इलेक्ट्रिक डोरवेल है दोस्तों, ये मेरा एक वेल स्विच है। तो फर्स्ट में दोस्तों कनेक्शन करके हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें स्विच में सबसे पहले पावर सप्लाई लेंगे, इसमें नीचे वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई लेते हैं, ऊपर वाले टर्मिनल पे आउटपुट देते हैं। तो चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम इसमें एसी सप्लाई दे दिए हैं, अब इससे हम ऊपर वाले स्विच से आउटपुट लेंगे। तो इसको भी स्विच में हम लगा लेते हैं, इस टाइप से कनेक्शन करना है। अब दोस्तों, ये जो हम वायर जोड़े हैं, आउटपुट लिए हैं, इसको हम, ये कोई भी दो तार है, दो तार को हम लूप करते हैं यहाँ पे। देखिए, हम दोनों डोरवेल को एक लूप कर लिए हैं। अब इसमें हम सप्लाई दे देंगे, एसी सप्लाई जो है, फेज जो है, फेज को सप्लाई दे देंगे इस टाइप से। और ये जो तार, अब दो गो वायर जो बचा है दोस्तों डोरवेल का, ये दोनों को भी हम लूप कर लेते हैं इस टाइप से। लूप करके इसमें हम एसी का न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। चलिए देखिए, हम सप्लाई दे दिए हैं, अब इसमें हम एसी सप्लाई दे के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एसी सप्लाई इसमें दे दिए हैं। अब हम अब ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये मेरा डोरबेल है, देखिए दोस्तों मेरा बेल बज रहा है। ये तो एक फर्स्ट कनेक्शन हो गया, अब हम दूसरा कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं, और दूसरा मेथड से भी करके दिखाना है आपको। दो पट टाइप का करना है, इसमें थोड़ा वायर ज़्यादा लगेगा क्योंकि न्यूट्रल को दोनों को शॉर्ट करना होगा, इसलिए। अब हम दूसरा मेथड से आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो दो वायर है, इसको हम फर्स्ट में ही लूप कर लेते हैं इस टाइप से, दोनों वायर को लूप कर लेंगे। देखिए, हम इसमें लूप कर लिए हैं, अब इसको कुछ करना नहीं है, ये वायर ऐसा ही रहेगा। अब ये जो फेज का वायर है, ये इसमें जाएगा, इसमें कनेक्शन करना है। देखिए, ये मेरा डोरवेल का कनेक्शन पूरा हो गया। अब जो ये डोरवेल में एक वायर बचा है, उसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल लगा देंगे इस टाइप से। इस टाइप से न्यूट्रल लगा देंगे। तो देखिए, मेरा कनेक्शन लगभग पूरा हो गया है। अब इसमें हम आपको एसी सप्लाई देके दिखाते हैं, और एसी सप्लाई देखिए दे दिए हैं। अब हम इसमें आपको स्विच ऑन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इससे भी आपका डोरबेल बज रहा है। इस टाइप से दोस्तों आप कनेक्शन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। थैंक यू दोस्तों।